रोहित मोबाइल मकरोनिया का सबसे बड़ा मोबाइल शोरूम, जहां आपको मिलेंगे थोक एवं कम रेट पर मोबाइल। तो आधार कार्ड लाएं और 5 मिनट में मोबाइल ले जाएं। हमारा पता है खाद गोदाम के बाजू से, मकरोनिया चौराहा सागर। पति और पत्नी के रिश्तों में अक्सर मनमुटाव और विवाद होता रहता है, लेकिन कभी कभी यह विवाद एक बड़ी वारदात को जन्म देता है। ऐसी एक तस्वीर प्रदेश के रतलाम जिले से सामने आई। यहां एक पति ने अपनी पत्नी के साथ मारपीट की। इतना ही नहीं, पति ने दांतों से पत्नी की नाक काट दी। घायल महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल शराबी पति की मारपीट से परेशान महिला ने पति का घर छोड़ कोर्ट में केस किया था और गुजारा भत्ते की मांग की थी। इसी से नाराज पति ने पहले पत्नी को पीटा, फिर उसकी नाक को दांतों से काट दिया। मामला रतलाम जिले के आलोट कस्बे का है। यहां रहने वाली टीना की शादी उज्जैन जिले के झूठावाद गांव के दिनेश माली से 2008 में हुई थी। महिला के मुताबिक दिनेश कुछ भी काम नहीं करता था। शादी के बाद दिनेश शराब पीकर उससे आए दिन मारपीट करता था। इससे तंग आकर वह अपनी दोनों बेटियों के साथ मायके आ गई। यहाँ पर खाना बनाने का काम करके वह अपना गुजारा करने लगी। 2019 में महिला ने पति के खिलाफ कोर्ट में भरण पोषण का केस दायर किया। इसी बात से नाराज पति ने पहले तो पत्नी से केस वापस लेने का दबाव बनाया, लेकिन जब वह नहीं मानी तो पति रविवार दोपहर अंजुमन कॉलोनी स्थित पत्नी के घर जा पहुंचा। उसने पहले महिला और दोनों बेटियों से मारपीट की। इसी दौरान उसने दांतों से पत्नी की नाक काट दी। इसके बाद पति फरार हो गया। पड़ोसियों की मदद से घायल महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया। और वो दोनों लड़कियों को भी मारा, मेरे को मारा, और मैं बेहोश हो गई। दोनों लड़कियों भी बेहोश हो गई और मल्टी वाले मेरे को हॉस्पिटल लेके आए। पुलिस ने शिकायत पर आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। ये टीना नाम की हैं, जिनके पति का नाम दिनेश है। ये यहीं अंजुमन कॉलोनी कुमार नाके पे रहती हैं। इनका पति का नाम दिनेश है। इन दोनों का कोर्ट में भरण पोषण का विवाद भी चल रहा है। इस बात पर से आज दोनों के बीच में, पति पत्नी के बीच में ही विवाद हुआ घर पर। तो पति ने जो है अपनी पत्नी को ही दांत से काट लिया है। उसी की रिपोर्ट पर हमारे यहाँ अपराध कायम किया गया है और आरोपी को राउंड अप भी कर लिया गया। लेकिन हम तो यही कहेंगे, आज इस पति ने बर्बरता की सारी हदें पार कर पति जैसे शब्द को कलंकित कर दिया। रतलाम से कीर्ति वर्रा, सागर एक्सप्रेस न्यूज़।